दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको सऊदी प्रोफेशनल वेरिफिकेशन टेस्ट से रिलेटेड कुछ बातें बताने वाला हूँ, जो बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, अगर आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं रहता है तो हो सकता है कि आगे चलकर आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो क्या अपडेट है दोस्तों आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को आप बिना स्किप के पूरा देखिए दोस्तों, तो ही आपको समझ में आएगा। ओके तो चलिए आज देरी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और आपका अपना चैनल राज टेक्निकल इन्फो में बहुत बहुत स्वागत है। जो दोस्त पहली बार आए हमारे चैनल पे, उनसे रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल का आइकन पर क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए ज्यादा यूजफुल वीडियो बना के अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा आपको और क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आए। तो दोस्तों बात यह है कि अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, अगर आप एग्जिट जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, आप एग्जाम दो मत दो कोई मुश्किल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास होकर जाइए। लेकिन दोस्तों अगर आप छुट्टी जा रहे हैं और छुट्टी जाने से एक महीना पहले दो महीना पहले अगर आपका काम खत्म हो रहा है, या मान लीजिए आप 90 दिन की छुट्टी लगाए हैं या 60 दिन की छुट्टी लगाए हैं और छुट्टी का पीरियड में अगर आपका काम खत्म हो जा रहा है, आपको दोस्तों इन दोनों कंडीशन में आपको एग्जाम देना पड़ेगा छुट्टी जाने से पहले, और आपको लाजिम है कि आपको एग्जाम पास भी करना पड़ेगा। अगर एग्जाम पास नहीं करते हैं तो फिर आप दोबारा से सऊदी अरबिया वापस नहीं आ सकते। इसलिए दोस्तों अगर आप छुट्टी जा रहे हैं, अगर आपको सामने इस तरह का प्रॉब्लम है, तो आप अपने एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपको लाजिम एग्जाम देकर ही आपको छुट्टी जाने मिलेगा। आप बिना एग्जाम दिए चले जाते हैं छुट्टी में तो मुमकिन है कि आपको फिर वापस आने के लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है दोस्तों। और दूसरा बात दोस्तों, मान लीजिए आप छुट्टी जाते हैं, अगर आपका काम है वैलिड ज्यादा टाइम के लिए, मतलब कि आप छुट्टी गए छुट्टी से फिर वापस भी आ गए, वापस आने के बाद में दो महीना तीन महीना मुमकिन उससे ज्यादा टाइम के बाद में काम आपको खत्म हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना एग्जाम दिए छुट्टी जा सकते हैं। लेकिन जब छुट्टी से फिर जब वापस आप आइएगा, वापस आने के बाद में जब आपका काम रिन्यूअल होगा उस समय फिर आपको अपना एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों। आप एग्जाम देके आप एग्जाम पास करिएगा, उसके बाद ही फिर आपका काम रिन्यूअल होगा, ठीक है। मतलब कि आपको तो एग्जाम देना ही दोस्तों, चाहे आप छुट्टी से पहले दो या छुट्टी के बाद दो, एग्जाम तो लाजिम सबको देना पड़ेगा। और अभी आपका टेस्ट नहीं हो रहा है, मुमकिन हो सकता है कि बाद में आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों ये था बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं आपको साथ में शेयर करना चाहता था। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जाम कितना जरूरी है हम लोगों के लिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपके मन में या किसी तरह कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर से पूछ सकते हैं दोस्तों, मैं जितना जल्दी हो सके आपको कमेंट जरूर से जरूर रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा पसंद आया है तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो मैं नीचे दिए गए रेड कलर बटन पर क्लिक कर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी आप लोगों के लिए इसी तरह से इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक पर वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।